हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ड्रॉ टैब कैसे इनेबल करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ड्रॉ टैब इनेबल करने के लिए पहले तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ ऊपर के रिबन में कोई भी ड्रॉ टैब अभी आपको नहीं दिखाई पड़ गई। देखिए, यहाँ पर कोई भी ड्रॉ टैब नहीं है। अब अगर हमें ड्रॉ टैब इनेबल करना है तो देखिए, फाइल टैब आपको यहाँ मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, सबसे लास्ट में आपको मिलता है ऑप्शंस। ठीक है, ये रहा ऑप्शंस, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल ऑप्शंस का ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में कस्टमाइज रिबन पे जाना है। ये रहा कस्टमाइज रिबन, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। हमको जाना है कस्टमाइज द रिबन में। ये रहा कस्टमाइज द रिबन, इसके ड्रॉपडाउन पे क्लिक करिए और यहाँ पे हमको मेन टैब सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेन टैब हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये है ड्रॉ टैब का ऑप्शन। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर कोई चेक मार्क नहीं लगा है, बस यहाँ पे चेक मार्क लगा दीजिए और यहाँ से ओके पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपका ड्रॉ टैब है जो वो इनेबल हो जाएगा। आइए क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ड्रॉ टैब आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ क्लिक करके आप अपनी लाइन वगैरह जो भी आप ड्रॉ करना चाहें कर सकते हैं।